नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रीतु सिंह। रीवा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने अंधी हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र के सतना मार्ग में विगत 29 तारीख को सेमरिया पुलिस को सूचना मिली कि एक सड़क के किनारे एक व्यक्ति का शव मिला है। मौके पर पहुंची सेमरिया पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर मौके पर जाकर देखा गया तो मृतक का चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था। पुलिस ने हत्या के मामले को दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है और कई लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि दो व्यक्ति, एक कल्लू और एक लक्ष्मीकांत के द्वारा मृतक प्रहलाद की हत्या कर दी गई है। घटना के एक दिन पहले तीनों ने शराब पी थी, जिसमें मृतक प्रहलाद आक्रोशित हो गए, आपस में विवाद करने लगे, जिसमें लक्ष्मीकांत और कल्लू ने मिलकर प्रहलाद की हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए उसके चेहरे पर पत्थर पटक दिया और वहां से भाग गए। वहीं से मरिया पुलिस ने कड़ी मेहनत करते हुए आरोपियों को ढूंढ निकाला। इनके ऊपर 302 का मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। चलिए, सेमरिया का मामला है, हत्या का आरोपी पकड़ा गया है। ये 29 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी कि सतना रोड पर एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने जाकर मौके पर तस्दीक किया तो लग रहा था कि उसकी हत्या किसी के द्वारा कर दी गई है। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके मामले को विवेचना में लिया था और तो मामले की विवेचना के बाद लगातार पुलिस उसमें अज्ञात मर्डर के केस में पूछताछ कर रही थी। कई लोगों से पुलिस के द्वारा पूछताछ करने के बाद, कई चरणों में पूछताछ करने के बाद ये निकल के आया कि दो व्यक्ति, एक कल्लू और एक लक्ष्मीकांत के द्वारा मृतक प्रहलाद की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए उसके शव को जला दिया था। दोनों आरोपियों ने आरोप स्वीकार कर लिया है। चश्मदीद साक्षियों ने ये बताया है कि हाँ, घटना इनके द्वारा की गई है। मामला अभी भी विवेचना में, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, हत्या की मुख्य वजह क्या है? बजे रात्रि में बता रहे कि 28 तारीख घटना, जिस दिन पुलिस को सूचना मिली 29 को, उसके एक दिन पहले रात्रि में मृतक ने और उसके दोनों साथी और इसके अलावा एक दो लोग और थे, उनके साथ मिलकर दारू पी गई। दारू पीने के बाद फिर जो मृतक प्रहलाद था वो थोड़ा सा उत्तेजित हो गया कि मैंने इतनी दारू पिलाई आपको और आप लोगों के द्वारा मुझे मुर्गा नहीं खिलाया यार, इस तरह की तथ्य आए हैं। उसी बात को जब वो सबसे पहले मृतक ने आरोपियों के साथ हाथापाई करना शुरू कर दी, फिर आरोपियों के द्वारा मृतक को मारा गया और उसके बाद उसके ऊपर पत्थर पटक के उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए उसको जला दिया।